नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केटिंग माइंड। मैं हूं निधि साहू और आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बिजनेस न्यूज का सिलसिला। फॉर एवरी रन स्कोर्ड बाय मुंबई इंडियंस, कैडबरी डेयरी मिल्क विल स्पॉन्सर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर टू डेली वेज अर्नर इन इंडिया। कैडबरी डेयरी मिल्क है मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल गुडनेस पार्टनर। एज द पार्ट ऑफ दिस हैशटैग से थैंक यू इनिशिएटिव, मुंबई इंडियंस के सभी मैचेस के टोटल स्कोर्स को डबल करके ब्रांड डेली वेज अर्नर को निर्माण एनजीओ के थ्रू ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा। विस्तारा बिकम्स फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑफर इन फ्लाइट वाईफाई। मतलब वॉशरूम तक भी अपना फोन ले जाने वाले लोग बड़े दुखी हो जाते थे जब फ्लाइट में उनको अपना फोन फ्लाइट मोड पर डालना पड़ता था, बट नॉट एनी मोर। विस्तारा ने सितंबर 18 से अपनी इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए उपलब्ध करवानी शुरू कर दी है। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत ये सुविधा होगी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। IKEA to set up a new global office in Bangalore। Swedish furniture retail chain IKEA ने अनाउंस की है बेंगलुरु में अपनी नई ग्लोबल चेन। कंपनी छोटे शहरों में भी अपने स्टोर एक्सपैंड करने की प्लानिंग में है। इसके साथ साथ इंडिया के बाकी शहरों में भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने का प्लान है। हाल ही में इस कंपनी ने क्लिक एंड कलेक्ट नाम की सर्विस हैदराबाद में लॉन्च की है और आने वाले सालों में इसका प्लान 100 मिलियन कंज्यूमर तक पहुंचना है। Instagram टू एक्सटेंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रील्स टू 30 सेकंड। दिस इज इंडीड अ गुड न्यूज फॉर ऑल द क्रिएटर्स आउट देयर। लॉन्च होने के बाद से टिकटॉक यूजर्स में बहुत ही बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी एंड इट सीम्स लाइक ये खुशियां अब डबल होने वाली हैं, क्योंकि पहले 15 सेकंड का ही ड्यूरेशन होता था रील्स बनाने में, पर अब उसे डबल करके 30 सेकंड्स कर दिया गया है। सोनू सूद इज एवरीबडीज फेवरेट इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांड्स। एसर इंडिया ने बनाया बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर। द ब्रांड बिलीव्स दिस एसोसिएशन विल हेल्प देम ड्राइव अवेयरनेस ऑफ लीडिंग इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इवोल्यूशन। IPL 2020 इज ओपनिंग रिकॉर्ड हाईएस्ट टीवी एंड डिजिटल व्यूअरशिप इन IPL's हिस्ट्री। CSK और मुंबई इंडियंस के IPL 2020 के ओपनिंग मैच में सेट हुआ है एक नया रिकॉर्ड। ऐसा IPL की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि मैच को देखने के लिए 200 मिलियन व्यूअर्स इकट्ठे हुए। ब्रांड्स के लिए गुड न्यूज तो है ही, और IPL शुरू होते ही हमारे दर्शक तो ऑलरेडी खुश रहे। Apple's ऑनलाइन स्टोर इज फाइनली लाइव इन इंडिया। एप्पल लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जहां उन्हें शॉपिंग करने के लिए थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता था, जैसे फ्लिपकार्ट या Amazon। लेकिन अब इंडिया में पहली बार एप्पल लॉन्च करने जा रहा है अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर, जो कि अवेलेबल होगा हिंदी और इंग्लिश भाषा में। यानी अब आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए घर बैठे एप्पल स्टोर से कर पाएंगे शॉपिंग। हालांकि किडनी आपको अभी भी गिरवी रखनी पड़ सकती है। दिस इज इट फ्रॉम अस टुडे। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक। कीप वॉचिंग मार्केटिंग माइंड।